नमस्कार, मैं तू शिक्षा ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। दोस्तों, आज आयोजित परीक्षा का हुआ पेपर आउट। जिन्होंने परीक्षा दी है वो इस वीडियो को जरूर देखे। प्रूफ के साथ में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जिन्होंने आज परीक्षा दी है उनके लिए ये खास उपयोगी वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो में चलने से पहले कृपया एक बार रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको राजस्थान से जुड़ी हर प्रकार की गवर्नमेंट जॉब की जानकारी समय पर दी जाती है। दोस्तों, सबसे पहले एक खबर देखिए, जी राजस्थान न्यूज की एक खबर है, एसओजी की बड़ी कार्रवाई, पेपर लीक करने वाले गिरोह को दबोचा। अब दोस्तों, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, जी राजस्थान न्यूज का ट्वीट है, एसओजी की बड़ी कार्रवाई, पेपर लीक करने वाले गिरोह का है वो दबोच लिया गया है, और परीक्षा के पेपर लीक करने वाले गिरोह को आज दबोचा। ये आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो, इसके बाद में जो यहाँ पे इनको है वो दबोच लिया गया, आप ये देख सकते हो, ये जो है इनको दबोच लिया गया है। और आप यहाँ पे ये पूरी खबर प्रूफ के साथ में आपको में है वो इस वीडियो में है वो दिखा रहा हूँ, और हम आपको एक और प्रूफ इसके बारे में दिखा देते हैं जो इनका स्क्रीनशॉट है उसके बारे में। जयपुर एसओजी की बड़ी कार्रवाई, पेपर के पेपर लीक करने वाले, परीक्षा के पेपर लीक करने वाले गिरोह को है दबोचा, सात आरोपियों को किया गिरफ्तार, मौके से नगद और दस्तावेज भी किए है इनके बरामद। तो दोस्तों, आपने प्रूफ के साथ में देख लिया होगा, मैं ट्वीट जो कितनी बजे किया गया है वो मैं आपको सबसे पहले इसमें दर्शा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं किस टाइम पे किया गया, ये देख सकते हो 4:18 और 3 मार्च को ये ट्वीट किया गया है। अब दोस्तों, ये परीक्षा कौन से, कृषि प्रेक्षण या महिला सुपरवाइजर, इसका अभी तक फिलहाल पता नहीं चल पाया है। जब भी इसका शाम तक आज इसकी कोई न्यूज आती है तो हम सबसे पहले आपको देंगे, लेकिन इन दोनों परीक्षा में से एक परीक्षा का पेपर है वो लीक आज हुआ है। दोस्तों, इसकी खबर हम आपको जल्दी देने वाले हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट खबरों की जानकारी समय पर प्राप्त होती रहे।